सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग जूही को देखते हैं, जो कि जिनवू से कहती है कि तुम बिल्कुल एक अलग पर्सन बन गए हो, वहीं पर मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हूँ। तो जिनवू कहते हैं हाँ, काफी सारी चीजें हुई है, एक्सपीरियंस सभी लोग को अलग अलग अफेक्ट करता है। तो जूही कहती है हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं काफी कमजोर हूँ, मैंने इसे सुधारने की भी कोशिश करी पर मैं नहीं कर पाई। मुझे ए बी और सी रैंक के रेड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जान पूछ के डी और ई रैंक की रेड को ही चुनती हूँ। तभी मैं तुमसे मिली और तभी मैं तुम्हें बार बार हील करती आ रही थी। पहले तो ये काफी ज्यादा अनोइंग था क्योंकि तुम बहुत बार इंजर्ड जाते थे, लेकिन तुम जैसे तैसे करके सर्वाइव कर जाते थे। मैं तुम्हारी वो आंखें कभी नहीं भूल सकती हूँ जो कि वाइटिलिटी को दिखाती है। तुमने मुझे ये देखकर प्रॉमिस किया था कि हम लोग बाहर जाकर खाना खाएंगे, लेकिन तुम इस चीज को आप वापस ले सकते हो क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। अगर तुम भी वहाँ पर आओ तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगी। तो अब जिनवू कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें फिर से इन्वाइट करूंगा अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब उससे वो क्रिस्टल ले लेता है, जिसके बाद अब जूही वहाँ से चली जाती है। तभी जिनवू को वो की बात याद आती है जो कि उसे कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तुम जैसा एक ई रैंक का हंटर कैंग को हरा सकता है, लेकिन तुम्हारी रीअवेकनिंग की चेकिंग पहले ही हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वार्निंग दे देनी चाहिए, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो केयरफुल रहना, क्योंकि जो वो वाला इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर वांग डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंक का हंटर सहयोग किया था। ये जानकर शायद से वांग डोंगसुक का छोटा भाई वांग डोंगसुक तुम दोनों को टारगेट करेगा। ये सुनकर जिनवू कहते हैं क्या, वांग डोंगसुक जो कि एस रैंक हंटर है वो मेरे पीछे पड़ा है? तो वो कहते हैं हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि डंजन के अंदर क्या हुआ था, उसे बस अपने भाई की चिंता है, वहीं पर तुम सर्वाइव कर गए थे। लो एस रैंक के हंटर के सामने पावरलेस है, एस रैंक मिरेकल और कैलामिटी ले आते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक मॉन्स्टर जिससे दूसरे मॉन्स्टर भी डरते हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर पॉसिबल हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री को छोड़ दो। सीन अब वापस प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर अब जिनवू कहता है कि मुझे एक और रीजन मिल गया है ताकतवर बनने का, अगर मैं ताकतवर नहीं बनूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में जिनवू यो के पास आता है और उसे कहते हैं कि ये क्या है, तो यो उसे कहते हैं कि हमारी स्ट्राइक टीम है, उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स हैं, पर किसी रीजन के कारण वो लोग काम नहीं कर सकते हैं या फिर इन्हें कोई काम नहीं देता है। ये सुनकर जिनवू कहते हैं कि इस टीम के अंदर तो इंजर्ड लोग भी हैं और नशेड़ी लोग भी हैं। तो यो कहते हैं कि इसे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस नंबर बढ़ाने अपनी टीम के, क्योंकि रेड में जाने के लिए हम लोग की टीम में 8 लोग होने चाहिए। जिनवू सामने देखता है और कहते हैं कि हाँ तो एक बच्ची भी है। तो यो कहते हैं कि जब तक वो लोग अवेकंड है तो बच्चों को रिक्रूट करने में कोई भी लीगल इशू नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की तो हान होती है, वो जिनवू से कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। वो सुनकर जिनवू कहते हैं लेकिन तुम हाई स्कूल के अंदर हो, क्या तुम्हारे पास कोई रेड का एक्सपीरियंस है? तो आप हान कहती है नहीं। तब जिनवू कहते हैं कि तुम्हारी रैंक भी ई है। ये सुनकर वो कहती है तो फिर क्या हुआ? इस पर जिनवू कहते हैं चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी लोग को वैसे भी यहीं पर वेट करना है क्योंकि डंजन के अंदर सिर्फ मैं और यो ही जाएंगे। तब एक बंदा कहते हैं कि क्या सीरियसली डंजन के अंदर सिर्फ तुम ही दोनों जाओगे और बस यहाँ बाहर वेट करने के लिए हम लोग को तुम 3 मिलियन पैसे दोगे? तो यो कहते हैं हाँ, पर रेट 3 मिलियन पैसे अच्छी डील है ना, क्योंकि तुम लोग को लड़ना भी नहीं पड़ेगा, बस एक कंडीशन है, तुम लोग इसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताओगे। अगर तुम लोग बता दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लिए जितने भी पैसे लिखे हैं तुम्हें उसका 10 गुना पैसा हम लोग को रिटर्न देना होगा। दूसरे तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जिसे कैंग को हराने के बाद एक स्टील रून स्टोन मिला था और उसे देखकर कह रहा होता है कि मैं इसे अभी यूज कर लेता हूँ। जिनवू अब उसे यूज कर लेता है और अब उसे स्टील स्किल मिल जाती है। तभी यो वहाँ पर एक काफी भारी आर्मर पहनकर आ जाता है और जिनवू से कहते हैं चलो अंदर चलते हैं। वह बताने लगता है कि ये आर्मर फुल बफ बूस्टेड आर्मर है जो कि इटालियन मैन्युफैक्चरर में बना है। ये सुनकर जिनवू उसे हल्का सा धक्का मारता है और अब यो पीछे जाकर गिरता है। जिनवू अब उसे कहते हैं कि ये काफी भारी है इसे उतार दो, तो यो मान जाता है और अब उठने की कोशिश करता है पर वो उठ ही नहीं पाता है, आर्मर इतना भारी होता है इस वजह से। तो अब जिनवू को उसकी मदद करनी पड़ती है। वहीं पर अब यो अपने सर पर सिर्फ हेलमेट को रखता है और वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर बाहर खड़े होकर लोग सोच रहे होते हैं कि क्या सही में ये सिर्फ दोनों ही अंदर जाएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि हम लोगों ने इन्हें वार्निंग तो दी थी, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हम लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं पर कोई बंदा कह रहा होता है कि एक डी रैंक का और ई रैंक का हंटर सी रैंक की रेड को खुद से करेंगे, लगता है उन लोगों को मरना है। वहीं स्कूल में अब जिना को दिखाया जाता है जो कि देखती है कि हान तो आज स्कूल आई नहीं है। अगले सीन में वापस से उन सभी लोगों को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं कि 1 घंटा बीतने वाला है। नॉर्मल स्ट्राइक टीम को 2 घंटे लग जाते हैं रेड को खत्म करने के लिए, तो लगता है हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तभी उन लोग यो को देखते हैं जो कि गेट में से बाहर दौड़ कर आ रहा होता है, जिसे देखकर एक बंदा कहते हैं ओ तो ये लोग भाग कर बाहर आ गए, ये लकी है कि ये जिंदा बच गए। तभी दूसरा बंदा कहते हैं नहीं ये लोग भागे नहीं है, देखो गेट तो बंद हो रहा है, इसका मतलब इन लोगों ने बॉस को हरा दिया है, ये कैसे हो सकता है। जिनवू अब कहते हैं कि अगला गेट कहाँ पर है, तो यो बताता है यहाँ से 1 घंटा दूर। तो जिनवू कहते हैं ठीक है फिर वहीं पर चलो। वहीं पर अब सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी यो उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग दूसरी लोकेशन पर जा रहे हैं, आज हम लोग को 3 जगहों पर जाना है, इसका मतलब तुम लोग को 1 दिन में 9 मिलियन पैसे मिलेंगे, तो क्या तुम लोग आ रहे हो? वहीं पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये दोनों कौन है। अगले सीन में जिनवू को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर आकर गोब्लिन्स को एक ही हाथों से मार रहा होता है। वहीं पर यो क्रिस्टल्स माइनिंग कर रहा होता है। इसी तरीके से हम लोग अगला दिन देखते हैं जहाँ पर जिनवू आज भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और कंटिन्यूसली उसका लेवल अब बहुत ही ज्यादा होने लगता है। जिनवू अब स्टील स्किल का यूज करके मॉन्स्टर्स को काफी आराम से मार देता है, जिसे कई हैरान होता है और मन में कहता है
है कि क्या जिनवो अपनी ये स्किल को छुपा रहा था। बॉस सही में काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वहीं जिनवो कह रहा होता है कि स्टील स्किल पाने में इतना मजा तो नहीं था, लेकिन ये यूजफुल है। लड़ते समय मुझे कोई नहीं देख पाता है, ये काफी इफेक्टिव है। मेरी डैश स्किल भी लेवल अप हो गई है। तभी जिनवो को और नई स्किल्स मिलती है, जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर्स को पूरी तरीके से फाड़ देता है। जिसके बाद अब यो सामान इकट्ठा कर रहा होता है और जिनवो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होता है। जिनवो कह रहा होता है कि मुझे काफी सारी नई स्किल्स मिल गई है, लेकिन मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, तो मैं उन स्किल्स को ज्यादा समय के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा। चीजें काफी स्मूथली चल रही है, क्या मुझे डीमन कैसल में जाना चाहिए? नहीं, शायद से ये थोड़ा अभी जल्दी है। मेरी रैंक अभी शायद बी और ए के बीच में होगी। अभी नहीं लगता मैं उस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा। तभी जिनवो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। जिनवो के सामने अब एक जॉब चेंज क्वेस्ट आती है, जिसे देख कर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड के एक बंदे को देखते हैं, जो कि अपने मैनेजर जिनका नाम एन होता है उनके पास एक रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट को पढ़कर एन हैरान होता है और कहते हैं, क्या 150 मिलियन कोई सी रैंक के गेट्स के लिए इतना पैसा लगा रहा है? तो किचुल कहते हैं, हाँ, इतने पैसे एक स्ट्राइक टीम लगा रही है और मार्केट रेट से डबल प्राइस दे रहे हैं गेट के लिए। तो अब एन कहते हैं कि इस टीम का लीडर तो योजिनो है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तो किचुल बताते हैं कि वो लड़का योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। ये सुनकर एन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि लगता है कोई अमीर बेटा खेलने के लिए ये सब कर रहा है। तभी वो देखता है कि लिस्ट के अंदर जिनवो का भी नाम लिखा होता है, जो कि एक ई रैंक का हंटर है। किचुल बताते हैं कि इस टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी कमजोर हैं। तभी एन को याद आता है और वो कहते हैं कि मैंने जिनवो का नाम डबल डंजन वाले इंसिडेंट से सुना है। जिनवो उसी इंसिडेंट से कनेक्ट है, लगता है कुछ न कुछ तो है। अगले सीन में हम लोग यो और जिनवो को देखते हैं, जो कि टाइम से पहले ही गेट को क्लियर करके आ जाते हैं। जिनवो वहां से जा रहा होता है, तभी हान उसे देख रही होती है। उसे देखकर जिनवो कहते हैं, क्या हुआ? जिस पर वो शर्मा के कहती है, कुछ नहीं। अगले सीन में किचुल एन से हैरान होकर कहते हैं, क्या आपको लगता है कि जिनवो रीअवेकंड हुआ है? पर आपको ऐसा क्यों लगता है? तो अब एन कहता है कि जिनवो तीन इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुआ था और हर बार सर्वाइव कर गया। पहला इंसिडेंट था डबल डंजन, दूसरा इंसिडेंट था हांग दोंगसू की स्ट्राइक टीम जो खत्म हो गई थी वो वाला इंसिडेंट, और तीसरा कैंग वाला इंसिडेंट। हर बार काफी सारे लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, उनमें से जिनवो भी होता है, तो शायद से उसकी रीअवेकनिंग हुई है। तो किचुल कहते हैं, ठीक है, वैसे हम लोग जा कहां पर रहे हैं? तो एन कहते हैं, जिनवो को अपनी टीम में लेने के लिए। अगले सीन में वो लोग गेट के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी हंटर्स तो आराम कर रहे होते हैं। ये देखकर एन हैरान होता है और कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई पिकनिक चल रही है? तभी हान उनके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, ये एरिया बंद है। तो एन कहते हैं, माफ कर दो, हमें कुछ हंटर सीखे तो हम लोग क्यूरियस होकर यहाँ पर आ गए। वैसे तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारे लिए खतरा नहीं है क्या? तो वो कहती है कि मुझे बच्चा मत समझो, मैं एक हंटर हूँ। तो एन कहते हैं, क्या इसका मतलब तुम इस स्ट्राइक टीम की एक पार्ट हो? जिस पर वो कहती है हाँ। ये सुनकर एन हैरान होता है और अपने मन में कहता है, इसका मतलब जिनवो ने अपनी पूरी टीम को यहीं पर छोड़ दिया और अकेले डंजन क्लियर करने चला गया। अगर मेरी अजम्पशन सही है तो मेरे हाथ काफी बड़ी चीज लगी है। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहां से चला जाता है। तभी यो और जिनवो गेट से बाहर आते हैं। वहीं पर जिनवो यो से कहते हैं कि कल का शेड्यूल क्या है? कल मुझे कुछ करना है, तो क्या मैं कल की छुट्टी मार सकता हूँ? तो यो कहते हैं कि कल के लिए मैंने कुछ गेट्स को रिजर्व किया है, क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूं? तो जिनवो कहते हैं, नहीं, रहने दो, पैसा वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। तो यो कहते हैं कि मैं उन्हें 2 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो जिनवो कहते हैं, ठीक है, अभी के लिए उन्हें डिले कर दो। तो यो कहते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग को पता चलता है कि एन छुपके से इन लोग की बातों को सुन रहा था। अगले सीन में हम लोग चोय को देखते हैं, जो कि देखता है कि एक उसकी साथी जेजू आइलैंड के समय पर मारी गई, वहीं पर चोय उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी उसकी आंखें खुलती है और पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था। वह उठकर परेशान हो जाता है और कहते हैं कि ये सपना फिर से मुझे आया। जिसके बाद अब वो एक फाइल को निकालता है और कहते हैं कि अब समय आ गया है। हम लोग देखते हैं कि ये फाइल एक टॉप सीक्रेट मिशन की है, जो कि जेजू आइलैंड का है। अगले सीन में हम लोग जिनवो को देखते हैं, जो कि घर जा ही रहा होता है। तभी उसे एन मिलता है और वह जिनवो से कहते हैं, अचानक से मिलने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं एन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर टीम का मैनेजर। अगले सीन में वो लोग कैफे में आकर बात करते हैं। एन जिनवो से कहते हैं कि आपको पता ही होगा कि व्हाइट टाइगर गिल्ड कंट्री के सबसे बेस्ट गिल्ड में से एक है। हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट्स को ढूंढते हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो योजिन कंस्ट्रक्शन आपको जो पैसा पे कर रही है मैं आपको उसका डबल दूंगा। अगर आपको फिर भी उसके बाद कुछ चाहिए हो तो बता देना। एन अब अपने मन में सोच रहा होता है कि जिनवो एक ई रैंक का हंटर इतने अच्छे ऑफर को मना करेगा ही नहीं। तभी जिनवो उसे कहता है कि वैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेडक्वार्टर की कीमत कितनी है? तो एन कहता है, ये कैसे क्वेश्चन है? वैसे शायद से 50 बिलियन होगी। ये सुनकर जिनवो कहता है, इसका मतलब तुम अपना हेडक्वार्टर मुझे दे रहे हो? ये सुनकर एन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो जिनवो अब उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर एन हैरान होता है और कहता है, क्या योजिन कंस्ट्रक्शन आपको 30 बिलियन दे रही है? तो जिनवो कहते हैं, हाँ, उन लोगों ने मुझे योजिन कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग की इतने मार्केट वैल्यू ऑफर करी है, तो अगर तुम इसके डबल देने वाले हो तो तुम्हें मुझे 50 बिलियन देने होंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम डॉक्यूमेंट देख लो। तो अब एन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे कहते हैं कि इस ऑफर के बारे में डिसीजन मैं खुद से नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। ये सुनकर जिनवो कहते हैं, ठीक है, फिर हमारी डील यही खत्म होती है। जिनवो अब वहां से जा रहा होता है। वहीं पर अब एन कहते हैं, मैं काफी ज्यादा डेस्परेट हो गया था, मुझे पहले पता कर लेना चाहिए था कि जिनवो की योजिन कंस्ट्रक्शन के साथ क्या डील है। तभी जिनवो उसे कहता है कि वैसे तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तुम मुझ पर निगरानी रख रहे हो क्या? ये सुनकर एन घबरा जाता है और पीछे मुड़ता है और देखता है कि जिनवो तो वहां पर होता ही नहीं है। तभी उसके गाल पर जिनवो एक कट मार देता है, जिसे देखकर एन हैरान होता है और कहता है कि तो स्टील स्किल है। अब मुझे समझ आया कि योजिन कंस्ट्रक्शन जिनवो को इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रही है।
वह अब जिनवू से कहते हैं माफ कर दो तुम पर निगरानी रखने के लिए बिना बताए, पर मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता हूं। तो जिनवू कहते हैं सच सच बताओ। तो अब एन कहता है कि मार्केट से सारे डंजन खरीद लिए गए थे, इससे हम लोग न्यू हंटर्स की ट्रेनिंग नहीं करवा पा रहे थे, तो गिल्ड की पॉलिसी के तौर पर हम लोग उन्हें रेट्स पर नहीं बेच पा रहे थे। तब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इतने सारे गेट्स को कौन खरीद रहा है, तभी मुझे तुम्हारे नाम के बारे में पता चला। तब जिनवू कहते हैं कि मेरे बारे में कितने लोगों को पता है। तो एन कहते हैं कि मुझे और मेरे सबोर्डिनेट को जो कि बाहर बैठा है। तब जिनवू से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बारे में लोगों को ज्यादा ना पता चले, अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो एन मैं आपको और आपके सबोर्डिनेट के ऊपर शक करूंगा। तो एन कहते हैं कि मुझे अपने गिल्ड के हेड को इस बारे में रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ही, पर मैं मना नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरा सबोर्डिनेट और मेरा मुंह बंद रहेगा। तो जिनवू कहते हैं शुक्रिया और वो उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तो सारे सी रैंक के गेट बिकने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, पर माफ करना हम लोग ऐसा थोड़े और समय के लिए करेंगे। तो अब एन कहते हैं कि ये तो हमारे न्यू हंटर्स के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब जिनवू उसे कहते हैं चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें 3 C rank के गेट बेच रहा हूँ, इससे तुम्हारे गिल्ड के हंटर्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जगह हो जाएगी, पर मैं एक गेट को 300 million पैसे में बेचूंगा। तो एन कहते हैं कि ये काफी ज्यादा है, गेट के अंदर से अगर हम लोग को अच्छी लूट मिल भी जाएगी तो भी हम लोग 200 million कमाएंगे, क्या प्राइस कम हो सकता है? तो जिनवू कहते हैं ठीक है, एक डंजन 200 million पैसे का बेच दूंगा। तो एन कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे 3 dungeon खरीद रहा हूँ। तो जिनवू कहते हैं ठीक है, 3 dungeon के 600 million पैसे दे दो और पैसों को आज दिन खत्म होने से पहले ही दे देना, और मैं तुम्हें एक और चीज दे रहा हूँ, उसके लिए अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। ये सुनकर एन घबरा जाता है। तो जिनवू कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोटिल नहीं करूंगा। तो अब एन आंखों को बंद करता है और अपने मुंह को खोलता है, तभी जिनवू उसके मुंह के अंदर हीलिंग पोशन डाल देता है और अब एन के जो गाल पर जिनवू ने चोट मारी थी वो ठीक हो जाती है, ये देखकर एन हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब जिनवू जाने लगता है तो एन उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सारी चीजें दिखाई, इसका मतलब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो जिनवू कहते हैं हां, मैं तुम पर तब तक विश्वास करूंगा जब तक तुम इन सारी बातों को सीक्रेट रखोगे। जिसके बाद अब जिनवू चला जाता है। जिसके बाद किचुल वहां पर आता है और एन से कहते हैं कि स्काउटिंग कैसी गई? तो एन कहते हैं जितना मैं सोचा था जिनवू तो उससे भी ज्यादा बड़ी डील निकला। और अब अगले दिन हम लोग यो को देखते हैं जो कि जिनवू को बताता है कि हां हम लोग को बैंक के अंदर 600 मिलियन पैसे मिल गए हैं, आपने गेट्स को इतने अच्छे प्राइस में कैसे और किसको बेचा? तो जिनवू कहता है कि ये बात एक सीक्रेट है। अगले सीन में हम लोग किचुल को देखते हैं जो कि एन से कहते हैं कि सी रैंक के गेट्स और भी ज्यादा थे, योजन कंस्ट्रक्शन ने सिर्फ 3 ही खरीदे थे, आपको उन्होंने 200 में बेचे, वहीं पर बाकी लोग 70 मिलियन या फिर उससे कम में बेच रहे हैं, उसने आपको धोखा दे दिया। ये सुनकर एन हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो जिनवू को स्काउट करने में ही फेल हो गया और साथ में उसने मुझे स्कैम भी कर दिया, इसका मतलब जो ताकतवर होता है उसके अंदर सब कुछ करने की हिम्मत होती है। तभी वो देखता है कि उसे जिनवू की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि उसे कहता है कि मैंने बदला ले लिया, अब हम लोग बराबर हो गए हैं, अब मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझ पर नजर रखी थी। ये सुनकर एन कहता है ओ मुझे अब समझ आया, जिनवू से पंगा नहीं लेना चाहिए था, इस बार उसने मुझे ठग लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जिनवू के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अभी के लिए मैं इससे ही खुश हूँ। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि जॉब चेंज क्वेश्चन करने के लिए जा रहा होता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। पीस आउट।